डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 12/3 √5 + 2√2 के बराबर है। देखिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसको हमें हल करना है और देखना है कि ये किसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले प्रश्न को, 12/3 + √5 + 2√2। तो इसको मैं एक वैल्यू लिख लेता हूँ और इसके प्लस में 2√2 है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले इसका संयुग्मीकरण कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि हर में प्लस साइन है तो माइनस साइन आएगा बीच में, तो ये क्या आएगा, 3 + √5 - 2√2 / 3 + √5 - 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा करते हैं तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से ये आ जाएगा 12 × 3 + √5 - 2√2 / ये क्या है मेरा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा। तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी अगर मैं करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आती है, a² - b²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब मेरा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + √5² - 2√2। ठीक है, और इसको अगर मैं आप सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 12 × 3 + √5 - 2√2 / ये क्या हो जाएगा, a² + b² है। तो a² + b² + 2ab आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 √5 / 5 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 √5 - 6√5। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, देखिए 2√2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 2 × 2 = 4 और ये √2 कितना होगा, 2 = 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मेरी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 3 + √5 - 2√2 / 9 + 5 = 14 में से 8 चले जाएंगे तो 6, तो 6 + 6√5 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्योंकि 6 कॉमन ले सकता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 12 × 3 + √5 - 2√2 / 6 को कॉमन ले लिया मैंने तो ये आ गया 1 + √5। ठीक है, तो ये 6 से मैंने इसको काट दिया 12 को तो ये आ गया 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 + √5 - 2√2 / 1 + √5। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से फिर से संयुग्मीकरण कर दूँ, फिर से रेशनलाइजेशन कर दूँ तो देखिए क्या आ जाएगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ये √5 को इस तरफ लिख लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 + √5 - 2√2 / 1, ये तो मैं लिख सकता हूँ। देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो 2 × 3 + √5 - 2√2 / √5 + 1 है। अब इसका रेशनलाइजेशन किया, संयुग्मीकरण किया तो ये क्या आ जाएगा, √5 - 1 से गुणा होगा अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, यहाँ से ये फिर से a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2 × 3 + √5 - 2√2 / √5 - 1 ये a² - b² यानी कि √5² क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 1² यानी कि 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगा 2 × 3 + √5 - 2√2 / √5 - 1 / 4। तो 4 इसको 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 और ये वैल्यू मेरी अंश में क्या आ जाएगी, अब इसका गुणा होगा तो इसका गुणा अगर मैं करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3√5 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 5 का √5 में गुणा होगा यानी कि ये कितना हो जाएगा, √5 का √5 में गुणा हुआ तो 5 आ गया और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, अब √5 का 2 × √2 में गुणा होगा यानी कि -2√10 आ जाएगा। ठीक है, और अब 1 का गुणा होगा तो ये क्या आएगा, -3 और फिर क्या आएगा, माइनस
रूट पाँच माइनस माइनस प्लस यानी कि दो रूट दो बटे दो। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू कट सकती हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू कटेगी क्या? तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 5 है और ये रूट पाँच है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 रूट 5, 2 रूट 5 प्लस ये वैल्यू लिख लेता हूँ 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 10 प्लस, और ये प्लस 5 है और ये -3, यानी कि ये बच जाएगा प्लस 2, ठीक है, और बटे में कितना है, 2 है। अब बताइए मैं 2 सबसे कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस 1 बटे 2, तो 2 से 2 ये कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया बताइए, रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10 प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10, जो कि मेरा सही उत्तर है। देखिए तो मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।